Hey, hi guys, my name is Jiten Pansara, rolling from Gujarat, and today I have started creating some vlogs. So this is my first vlog actually, and I have visited one place which is a very famous place nearby Gondal. So I have visited it and hope you will like it, share it and subscribe it. Thank you. आज हम कुछ अलग करने जा रहे हैं, बहुत ही अनोखी जगह जाने वाले हैं। तो आज ये मेरे पापा हैं, जिनको प्यार से सभी लोग जय भगवान के नाम से जानते हैं। और आज सुबह सुबह उनको क्या हुआ कि मेरे से शर्त हार गए और बुरी तरह हार गए। तो आज हम उसकी पार्टी लेने जा रहे हैं। वाशरा करके एक गाँव है, बहुत ही छोटा गाँव है, वहाँ पर एक भजी का स्टोर चालू किया है और वो भजी का स्टोर बहुत ही फेमस हो गया है और वो भजी के स्टोर से अभी वो गाँव जाना जाता है। तो आज मैं आपको वहाँ लेके जाऊंगा और वो कैसे भजी बनाते हैं और कैसे वो बनती है वो सब मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो मेरे साथ रहिए, आपको वहाँ का जो रास्ता है, कैसे जाना है और वहाँ पे कैसे भजी बनती है वो मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगा। आप भी कभी आओ और ये भजी खाओ, गुजरात में कि अच्छी तरह बन रही है और देसी मिर्चा, देसी कोथमी सब यहाँ से मिलकर और साथ में वाड़े फार्म से बनाकर वो भजी बनाते हैं। तो आप लोग कभी आओ, बहुत ही टेस्टी। मैंने एक बार खाई और मुझे मन हो गया कि भाई दूसरी बार जाना ही है। और वो भैया ने बोला था अगर आप एक बार खाओगे दूसरी बार जरूर आओगे। तो मैं आपको वहाँ पे अभी थोड़ी देर में ले चलता हूँ। एक बार आवो वाचरा, भजिया भजिया खावा। एक बार आवो वाचरा, भजिया भजिया खावा। हैप्पी गोगड़ी जे नु नाम छे, वाचरा जे नु गाम छे। हैप्पी गोगड़ी जे नु नाम छे, वाचरा जे नु गाम छे। मेथी पत्ती ना भजिया, कोथमी आदू ना भजिया। बहु सरस लागे छे आ भजिया, बहु सरस लागे छे आ भजिया। एक बार तो आवो वाचरा। So okay guys, we are here in Praveen Bhai Khun's house और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये उनका घर है और यहाँ पे बहुत सारे जो गेस्ट लोग आते हैं वो यहाँ पे खाते हैं और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जैसे राजकोट इज़ वेरी फार फ्रॉम हियर, लाइक इट इज़ 60-70 किलोमीटर्स फार फ्रॉम हियर, बट स्टिल बहुत बड़े बड़े लोग और बहुत दूर दूर से लोग भी यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे ही जैसे एक शेड जैसा भी बनाने वाले हैं और कभी कभी तो यहाँ पे वेटिंग होती है। अभी कोरोना है तो इसीलिए बहुत कम लोग आते हैं। तो ये उनका घर है और अभी हम देखेंगे कि वो बनाते हैं कैसे। सो कम विथ मी। और ये जो मसाला है ये उनकी स्पेशलिटी है, अगर आप एक बार खाएंगे दूसरी बार जरूर आएंगे। और बहुत सी डिफरेंट टाइप के भजीज है यहाँ पे और आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्लीन हाइजेनिक है, इसीलिए यहाँ पे दूसरे लोग आते हैं। और वहाँ पे आप उसमें देख सकते हैं ये जो है इसी को गोगड़ी बोलते हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी है। और इसमें जो है कोथम्बीर, अदरक और मिर्ची डलता है। इसमें ना तो कोई ऑनियन है, ना गार्लिक है, कुछ नहीं है, बट फिर भी इट्स वेरी वेरी टेस्टी। लाइक यू नो, आप देख सकते हैं कि ये अभी जो भजी है वो तल रहे हैं और हम आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव दिस भजीज। आप देख सकते हैं कि ये भजी अभी आ गई और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की भजी है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव दिस। और बहुत ही आप देख सकते हैं वेरी वेरी क्रिस्पी भजी, आपने ऐसी कभी भजी खाई नहीं होगी। तो अभी मैं भजी खाने जा रहा हूँ, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, थैंक यू। तो अभी मैंने भजी खा ली है, बहुत ही फुल हो गया है और तीन चार टाइप की अलग अलग भजी थी, सो फुल हो गया, बहुत ही मजा आया खा के। और ये जो पापा के फ्रेंड हैं प्रवीण भाई, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमको सर्व किया, बहुत ही अच्छी तरीके से खिलाया। सो मैं उनका बहुत तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा और मैं आप सबको इनवाइट करना चाहूँगा कि एक बार यहाँ पे विजिट कीजिए। ये जो प्लेस है जो हैप्पी गोगड़ी के नाम से फेमस है, बादशाह का एक छोटा सा गाँव है और गोंडल तालुका में पड़ता है और शायद आपने राजकोट तो सुना ही होगा, बहुत ही बड़ा जिला है। तो वहाँ पे एक छोटा सा गांव है वाचरा करके, बट ये बहुत ही फेमस है हैप्पी गोगड़ी, आप किसी को भी पूछिए आपको पता चल जाएगा। सो आई जस्ट वांट टू इनवाइट यू ऑल टू विजिट दिस प्लेस वंस टू हैव दिस वंडरफुल टेस्टी भजी। डू कम, डू एंजॉय। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।